नंदीश्वर। एक बार पंडित परम सुख को दान स्वरूप एक बछड़ा मिला। उसने बछड़े का नाम नंदीश्वर रखा और प्यार से लालन पोषण करके उसे तंदुरुस्त बैल बना दिया। बैल भी परम सुख का काफी ख्याल रखता था, क्योंकि उसने उसे पिता समान प्यार दिया था। एक दिन बैल ने परम सुख से कहा कि वह नगर के व्यापारी के पास जाकर कहे कि उसका बैल माल से लदी 50 गाड़ियां एक साथ खींच कर ला सकता है। यदि व्यापारी विश्वास न करे तो 2000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगा लेना। परम सुख ने अपने बैल को अविश्वसनीय नजरों से देखा। उसे बैल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 50 गाड़ियां एक साथ खींचना असंभव काम था। बैल ने फिर कहा, मालिक आप मेरी बात पर यकीन करें, आप इस तरीके से धनवान बन सकते हैं। परम सुख हैरत में पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि बैल भी बोल सकता है। फिर भी उसने बैल से पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं शर्त जीत जाऊंगा? बेशक, अगर मैं 50 गाड़ियां खींच न सका होता तो आपको ऐसी सलाह कभी नहीं देता, बैल ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। परम सुख एक व्यापारी के पास पहुंचा और उससे बोला, महाशय बताइए, इस नगर में किसका बैल सबसे ज्यादा गाड़ियां खींच सकता है? वैसे तो कई बैल बहुत बलवान हैं, किंतु मेरे बैल जैसा बलवान पूरे नगर में शायद किसी के पास नहीं है, व्यापारी गर्व से बोला। अच्छा, मेरा बैल तो माल से लदी 50 गाड़ियां एक साथ खींच सकता है, क्या आपका बैल उसका मुकाबला कर सकता है? व्यापारी ने अट्टाहास किया और बोला, क्यों मजाक करते हो भाई? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, परम सुख ने दृढ़ स्वर में कहा। असंभव, यह कदापि नहीं हो सकता, कोई भी बैल 50 गाड़ियां एक साथ नहीं खींच सकता, व्यापारी ने आश्चर्यपूर्ण स्वर में कहा। 1000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाकर देखो, अगर मेरे बैल ने 50 गाड़ियां एक साथ खींच दी तो मैं शर्त जीत जाऊंगा, अगर न खींच पाया तो मैं हार जाऊंगा, व्यापारी ने सोचा। परम सुख पागल हो गया है, फिर भी उसने शर्त लगा ली। निश्चित समय पर कंकड़, पत्थर और बालू से लदी 50 गाड़ियों के साथ परम सुख तैयार था। कुछ ही देर में 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। इनके अलावा मेरे जीवन भर की बचत की 1000 मुद्राएं मिलाकर मेरे पास 2000 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी। उन मुद्राओं में से मैं बहुत से बैल खरीदूंगा और शर्तें लगाया करूंगा, फिर तो सारे नगर में मैं सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। मन ही मन खुश होते हुए उसे नंदीश्वर के गले में माला पहनाकर उसे सबसे आगे वाली गाड़ी में जोत दिया। चल दुष्ट, जल्दी खींच इन गाड़ियों को, बैल की कमर पर चाबुक मारते हुए परम सुख बोला। अपने मालिक के ऐसे कड़वे बोल सुनकर बैल के दिल को ठेस पहुंची। यह मुझे अपशब्द कह रहा है, ऐसा है तो मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। कुछ ही देर में परम सुख परेशान हो गया। इस नंदीश्वर को क्या हो गया है, यह मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान रहा? उसने लाख प्रयत्न किए मगर नतीजा वही ढाक के तीन पात। उधर व्यापारी फूला नहीं समाया, क्योंकि वह शर्त जीत चुका था। हा, मैं शर्त जीत गया, निकालो 1000 स्वर्ण मुद्राएं। परम सुख को 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यापारी को देनी पड़ी। नंदीश्वर को लेकर वह थके कदमों से घर की ओर पहुंचा और निराश होकर बिस्तर पर पसर गया। सो गए मालिक? नंदीश्वर ने परम सुख से पूछा। मैं बर्बाद हो गया, कैसे सो सकता हूँ? काश मैंने तुम्हारी बात न मानी होती, परम सुख परेशान होकर बोला। आपने मुझे गाली क्यों दी थी? मैंने कभी कोई बर्तन नहीं फोड़ा, न किसी को सींग मारा या? नहीं बेटा, तुमने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, अब तुम यहाँ से चले जाओ, परम सुख ने अनमने स्वर में कहा। नंदीश्वर को परम सुख पर दया आ गई, बोला, कोई बात नहीं, जाओ फिर से शर्त लगाओ, इस बार 2000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाना, बस एक बात का ध्यान रखना, मुझे अपशब्द न कहना। परम सुख एक बार फिर से शर्त लगाने की इच्छा से व्यापारी के पास पहुंचा और उसने 2000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाई। लगता है पंडित जी, एक बार शर्त हारने के बाद भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, व्यापारी ने उपहास करते हुए कहा। इस बार मुझे जीत का पूरा विश्वास है, इसलिए मैं 2000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाता हूँ। 2000? व्यापारी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। फिर 50 गाड़ियों में माल लादकर नंदीश्वर को जोता गया। परम सुख गाड़ी में बैठा और नंदीश्वर से बोला, मित्र चलो गाड़ियां खींचो। नंदीश्वर ने गाड़ियों को खींचना शुरू किया तो गाड़ियां खींचती ही चली गई। यह देखकर व्यापारी के होश उड़ गए। चमत्कार, सचमुच ही परम सुख का बैल सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद व्यापारी ने शर्त के अनुसार परम सुख को 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। स्वर्ण मुद्राएं लेकर परम सुख प्रसन्न मुद्रा में घर जा पहुंचा। अब वह और अधिक धनी हो गया था, वह अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगा। शिक्षा,
यह जुबान ही है जो किसी को मित्र तो किसी को शत्रु बना देती है। परम सुख ने जब कटु लिहाजे में बैल को आदेश दिया तो वह टस से मस नहीं हुआ और वही बैल प्रेम से पुचकारने पर असंभव कार्य भी कर गया। मृदभाषी बनकर कट्टर शत्रु पर भी विजय पाई जा सकती है।